वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक बार। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबा देना ताकि आपको मिल सके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। और आज हम लोग जा रहे हैं डोलू लेक पे घूमने के लिए। हम कुछ वीडियोस दिखाया था इससे पहले कि हम लोग मैं जो NIT सिलचर से बाहर हुआ था उसका बाद से पूरा वीडियो आपको दिखा रहे थे। तो इस वीडियो पे आपको डोलू लेक पे लेके जाने वाले हैं। तो डोलू लेक पे जाने के लिए कहाँ से जाना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। सिलचर टू लमडिंग जो रोड है उस रोड पे जाना है आपको। और सिलचर लमडिंग रोड पे जाने का बाद जो डोलू मार्केट है, मार्केट पे पूरा मार्केट पे आने का बाद राइट साइड पे एक गली घुस जाएगा। उस गली पे गली से होके आप पूरे डोलू लेक पे जा सकते हैं। पूरा लेक जो है वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर डोलू मार्केट पे आने के बाद किसी से पूछ लेने से ही कोई बता देगा कि डोलू लेक किधर है, तो आप इजीली जा सकते हैं। डोलू मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है, वहाँ पे आके आपको पता ही चल जाएगा। अगर आप नए हो तो देखने से ही पता चल जाएगा कि बहुत सारा जो टी गार्डन छोड़ने के बाद जो बड़ा मार्केट मिलेगा आपको। डोलू का जो टी गार्डन है वो सब कुछ छोड़ने के बाद आपको डोलू मार्केट मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा मार्केट है, उसी मार्केट का मतलब मार्केट से ही लेफ्ट राइट साइड का गली पे घुस जाना है। तो घुसने का बाद आप डोलू लेक पे जा सकते हैं। और ये छोटा सा गली है, उतना अच्छा रोड नहीं है, तो आप उस रोड गली से घुस के आप डोलू सीधा चले जाइए तो आपको डोलू लेक पे जा सकते हैं, ईजीली जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली शायद डोलू लेक पे पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ पे आके बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग मेरे वीडियोस पे बने रहिए, तो आप आगे देखेंगे कि डोलू लेक पे हम लोग क्या 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 चीज़ देखा है। और डोलू लेक पे बहुत सारा इंजॉय किया है, पूरा आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को इंजॉय कीजिएगा। और कल और एक वीडियो आएगा पूरा डोलू लेक का जो पूरा व्यू है वो सब कुछ एक ही वीडियो पर तो कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिल जाएगा डोलू लेक का फुल व्यूज़। तो कल के लिए वेट कीजिएगा, कल आ जाएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा यहाँ तक, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पे। All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy.